चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 416 है यहाँ पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? सुवेधानंद सरस्वती, अर्जुन राम मेघवाल, सुब्रमण्यम जयशंकर, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर आपको देना है, क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्जुन राम मेघवाल को नियुक्त किया गया है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर। हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के नए 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है, ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया तेलंगाना, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, जीका वायरस। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, डेंगू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर। 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? कर्नाटक, केरल, सिक्किम, मणिपुर। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 419 का होगा, ऑप्शन सी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है निजा सिली, एलिसा मार्टिन, लिंडा याकारिनो, पेटीन ह्यूज। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, लिंडा याकारिनो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। IPL में अब तक सबसे तेज अर्धशतक 23 गेंद लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तिलक वर्मा, निकोलस पूरन, यशस्वी जायसवाल, आंद्रे रसेल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यशस्वी जायसवाल। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों। फैशन ब्रांड की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आलिया भट्ट बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नारुमोल चायवई, थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, फखर जमान, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लियोनेल मेसी ने जीता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन सी, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर अगला है। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 161वां स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया MD & CEO नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रजनीश कर्नाटक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 430। प्रतिवर्ष 1 मई को किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र और गुजरात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियनशिप चैंपियन खिलाड़ी कौन बन गए हैं? क्वेश्चन नंबर 431 का आंसर हो जाएगा, डिंग लिरेन बन गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नवीन जिंदल, स्वरूप वर्मा, पंकज सिंह, अजय देव गोड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पंकज सिंह बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? अक्षय कुमार, राजकुमार राव, रणवीर सिंह, अनिल कपूर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 433 का जो आंसर होगा
राजकुमार राव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीमा सड़क संगठन BRO ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन सी माड़ा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन ए केरल। ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 436 है, कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुधीर रमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन डी चीन। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है? तो राइट आंसर यहां पर आपको देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद, तो यहाँ पर आंसर आपको देना है दोस्तों क्या बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा बर्लिन जर्मनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन इसका बनेगा ऑप्शन सी, माफ कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश बन गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, BCCI द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडिडास को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर अगला है, चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों की वापसी की घोषणा की है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा 2000 रुपये। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। क्वेश्चन नंबर अगला है, टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सिविलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रांस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर आपको देना है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या बनेगा ऑप्शन ए हो जाएगा चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवामुक्त कर दिया गया है, इस पोत का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए INS मगर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? तो राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने COVID-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा कर दी, बताएं कि यह तिथि कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 मई 2023। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण किस राज्य के अनुशासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए साजू बालकृष्णन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रशांत दामले को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, कहाँ हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है? तो राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा मिजोरम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो राइट आंसर यहां पर बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए कोचीन बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वो पला प्रणीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने, उनका संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना राज्य से इनका संबंध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो क्वेश्चन नंबर 462 का आंसर हो जाएगा हरियाणा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी मनोज सोनी बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला है, हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का 4था संस्करण आयोजित हुआ है? तो राइट आंसर यहाँ पर देना है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन ए हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज हाल ही में हुई, अब शनि के पास कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 145 उपग्रह हो गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है? तो राइट आंसर बनेगा राजस्थान दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों की कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए 8। क्वेश्चन नंबर अगला, कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में पदक स्वर्ण हासिल किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 58 वर्ष। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत ने किस देश में सेतवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है? तो पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का सम्मान किससे है? तो राइट आंसर भारतीय सेना से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 15 मई 2023 को परिवार और जनसंख्या परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गीता राव गुप्ता को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्न को नया कोच नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर अगला है, हाल ही में कहाँ में मोनलम चेनमो उत्सव आयोजित हुआ है? तो यहाँ पर आंसर आपको देना है दोस्तों क्या बनेगा ऑप्शन बी लेह में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस प्रौद्योगिकी संस्था ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बनेगा डी IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस शहर में पुलिस ने हाल में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी शारजाह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहां आयोजित हुआ है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नबीसा उमाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण दो तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है, इसका संबंध किस राज्य से है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा नीरा टंडन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगला है, किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल। तो यहाँ पर आंसर आपको देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 12-13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, 5वां, 6ठा, 12वां, 3रा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6ठा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा फिगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ग्वाटेमाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा को किस देश द्वारा यह नाम दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यमन के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में एंटोनियो कारबाजल का निधन हुआ, वे निम्न में से किससे संबंधित थे। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस कंपनी ने हाल ही में ICC के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए मास्टर कार्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 5800 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर यहां पर देना है, क्वेश्चन नंबर 499 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड ऑफ वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लियोनेल मेस्सी अर्जेंटीना के हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में जारी सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा ने जीता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी तेलिन एस्टोनिया, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे। तो राइट आंसर हो जाएगा शिरोमणि अकाली दल। क्वेश्चन नंबर अगला है, हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत और अमेरिका ने भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस देश ने रतन टाटा को अपने
सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा? तो भारत के पहले गांव को माड़ा उत्तराखंड के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 38वां स्थान मिला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? हमारे ग्रह में निवेश करें, अपना जीवन अपना ग्रह, पृथ्वी की रक्षा हमारी सुरक्षा, एक पृथ्वी एक जीवन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारे ग्रह में निवेश करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विराट कोहली बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों का वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सूडान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन सा शीर्ष पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, स्टार्ट स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना बिलीव एम्बेसडर बनाया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋषभ पंत को बनाया गया है। तो दोस्तों, इस क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए और इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए।